हेलो एंड वेलकम बैक टू अभिमन्यु स्टडी सेंटर फ्रेंड्स। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंस, मतलब रोज़ बोले जाने वाले वाक्य। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिए और इन सेंटेंस को सीखिए और बोलने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने टाइटल के बगल में क्या लिखा है, मैंने लिखा है फ्रेंड्स डेली यूज सेंटेंसेस, मतलब रोज़ बोले जाने वाले वाक्य, मतलब रोज़ प्रयोग होने वाले वाक्य। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वे कौन कौन से वाक्य हैं जिसे हम रोज़ प्रयोग करते हैं बट हिंदी में करते हैं। आज हम उनको इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, उन वाक्यों को कैसे इंग्लिश में बोले। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जैसा फ्रेंड्स पहला है, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू मैसेजिंग मी। फ्रेंड्स आप दूसरा बोल सकते हैं वाई आर यू टेक्स्टिंग मी। फ्रेंड्स जब भी आपको बोलना है तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, तो आप ये दोनों सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं किसी एक का, या तो आप पहला बोल दें या तो दूसरा। ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो फ्रेंड दूसरा सेंटेंस है, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो रहे, मतलब क्या फ्रेंड्स, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में इसको बोलना है If you have oily skin, you may have pimples. ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट है। फ्रेंड्स हमारा टीवी ऑन कर दो। फ्रेंड्स इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑन द टीवी, और बोल सकते हैं फ्रेंड्स टर्न ऑन द टीवी। अब फ्रेंड्स दोनों सेंटेंसों का यूज़ कर सकते हैं टीवी ऑन कर दो के लिए, आया तो पहला बोल दें या तो दूसरा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट है। फ्रेंड्स हमारा टीवी ऑफ कर दो। फ्रेंड इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्विच ऑफ द टीवी, या बोल सकते हैं फ्रेंड्स टर्न ऑफ द टीवी। फ्रेंड्स आप दोनों बोल सकते हैं टीवी ऑफ कर दो के लिए, या तो पहला बोल दें या तो दूसरा, दोनों का मतलब एक ही है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट है। फ्रेंड्स हमारा आवाज़ बढ़ा दो। फ्रेंड्स हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंक्रीज द वैल्यूम, और फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं टर्न द वैल्यूम अप। फ्रेंड्स हम दोनों सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आवाज़ बढ़ा दो, या तो पहला का यूज़ कर लें या तो दूसरे का यूज़ कर लें, दोनों का मतलब होता है आवाज़ बढ़ा दो। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा आवाज़ कम कर दो। फ्रेंड्स हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिक्रीज़ वैल्यूम, और फ्रेंड नेक्स्ट बोल सकते हैं हम इसको टर्न द वैल्यूम डाउन। उसके बाद फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इसको लोअर द वैल्यूम। फ्रेंड्स आप इन तीनों सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आवाज़ कम कर दो को बोलने के लिए इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स, कलर्स लगा दो। फ्रेंड्स ये एक टीवी चैनल नेम है, क्या है फ्रेंड्स कलर्स लगा दो, जिसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ट्यून इनटू कलर्स। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है सोनी लगा दो। फ्रेंड्स एक चैनल का नाम है, आप जानते ही होंगे, क्या है फ्रेंड्स सोनी लगा दो,
इसको फ्रेंड्स इंग्लिश बोलेंगे ट्यून इनटू सोनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 98.3 FM लगा दो, 98.3 FM लगा दो। इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश बोलेंगे ट्यून इनटू 98.3 FM। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 209 लगा दो, 209 लगा दो। फ्रेंड्स ये टीवी के चैनल नंबर होते हैं 209 203, आप जानते ही होंगे। आपको फ्रेंड्स जब बोलना है 209 लगा दो या 204 लगा दो, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ट्यून इनटू 209 और 204। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा, कोई न्यूज़ चैनल लगा दो। फ्रेंड्स अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, टीवी ऑन रहने दो। फ्रेंड्स इसको हम इंग्लिश बोलेंगे कीप द टीवी ऑन। अब फ्रेंड दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। क्या फ्रेंड्स? कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। फ्रेंड्स आप दोनों सेंटेंसों का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पहला बोलें तो दूसरा, टीवी ऑन रहने दो के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्या फ्रेंड्स हमारा, वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। फ्रेंड्स हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। क्या फ्रेंड्स? ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अपनी आँखें ख़राब मत करो। फ्रेंड्स हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डू नॉट स्पॉइल योर आइज़। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस हम बोल सकते हैं डू नॉट रियून योर आइज़। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा बोल सकते हैं डू नॉट डैमेज योर आइज़। फ्रेंड्स आप ये जो वाक्य हिंदी अपनी आँखें ख़राब मत करो, इसके लिए आप इंग्लिश सेंटेंस में तीनों यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, अपनी आँखें ख़राब मत करो। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आँखें ख़राब कर सकता है। फ्रेंड्स हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज रियून स्पॉइल योर आइज़। ओके फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हैं हम? जब भी हमको बोलना है किसी को या किसी बच्चों को, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आँखें ख़राब कर सकता है। तो इसको हम फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलेंगे वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज रियून स्पॉइल योर आइज़। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आँखें ख़राब कर सकता है। फ्रेंड्स अब इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज रियून स्पॉइल योर आइज़। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज रियून स्पॉइल योर आइज़। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मुझे ये धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश बोल सकते हैं आई लव टू वॉच दिस सीरियल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। इसको क्या फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं दिस सीरियल इज़ माई फेवरेट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फैन ऑन कर दो। इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑन द फैन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फैन ऑफ कर दो।
जिसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? स्विच ऑफ द फैन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पंखा तेज चल रहा है, पंखा तेज चल रहा है, इसको फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट। नेक्स्ट और लास्ट है फ्रेंड्स हमारा यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है, यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। फ्रेंड्स को हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। क्या फ्रेंड्स? यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। दिस फैन इज क्या है फ्रेंड्स? दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये फ्रेंड्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग ये सेंटेंस सीखें और इंग्लिश बोलने का प्रयास करें और इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉच। टिल देन बाय नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स।